नमस्कार, आपका स्वागत है विकी इंडिया में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता और क्यों महिलाएं शमशान नहीं जाती। इस दुनिया में हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें ना जाने कितने रीति रिवाज और परंपराएं हैं। हिंदू धर्म में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। व्यक्ति की जिंदगी में जो आखिरी संस्कार होता है वो अंतिम संस्कार होता है। गर्ग पुराण में माना जाता है कि किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार करके 13 दिनों की छूट के बाद घर का शुद्धिकरण किया जाता है। इस पुराण में अंतिम संस्कार से जुड़ी कई बातें बताई गई हैं। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु रात को हुई होती है तो उसका दाह संस्कार दिन में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने से मृतक व्यक्ति की आत्मा को परलोक में कष्ट भोगना पड़ता है और अगले जन्म में उसके किसी अंग में दोष हो सकता है। इसी कारण सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार नहीं किया जाता है। चलिए, अब मैं आपको यह भी बता दूं कि आखिर क्यों महिलाएं शमशान नहीं जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतिम संस्कार का समय तब होता है जब हिंदू धर्म के अनुसार महिलाओं का जाना वंचित होता है। और यह भी कहते हैं कि भूत सबसे पहले अपना निशाना महिलाओं को बनाते हैं, इसलिए उन्हें शमशान घाट नहीं ले जाया जाता है। और यह भी सत्य है कि लड़कियां बहुत कोमल दिल की होती हैं और किसी अपने की मृत्यु पर रोना बंद नहीं कर पाती हैं, जिससे मृतक की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। हमारे अपने को मरने के बाद शांति मिले, इसलिए औरतों को शमशान नहीं ले जाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल विकी इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।